चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर सिरसा में नशे पर बोले हैं कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला। प्रदेश में पंजाब से नशे की तस्करी होती है, ऐसा कहा है रणजीत चौटाला ने। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, तो नशे पर बहुत जल्द अंकुश लगाया जाएगा, ऐसा कहा है रणजीत चौटाला ने। सिरसा में नशे के मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का यह बयान सामने आया है। प्रदेश में पंजाब से नशे की तस्करी होती है, ऐसा कहा है रणजीत चौटाला ने। तो क्या कुछ कहा है रणजीत चौटाला ने, सुनवाते हैं आपको। नशे की जहाँ तक बात है, सरसा में पूरे हरियाणा में जितने केसेस पकड़े गए हैं उनका 75% केसेस अकेले यहाँ है, जो कि आंकड़ों में आया है। मैं तो यहाँ के SP को बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, इन तीन महीनों में बहुत कुछ यहाँ बड़ा सख्त अंकुश लगा है, और सरसा ही गर्दन है नशे की जो पंजाब से आ रहा है। अगर ये काट दी गई तो मैं समझता हूँ कि CM साहब कुछ इसमें और एक्शन करने जा रहे हैं, कुछ यहाँ की मदद कर रहे हैं। पर नशे की जहाँ तक बात है, सरसा में पूरे हरियाणा में जितने केसेस पकड़े गए हैं उनका 75% केसेस अकेले यहाँ है, जो कि आंकड़ों में आया है। मैं तो यहाँ के SP को बधाई देता हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, इन तीन महीनों में बहुत कुछ यहाँ बड़ा सख्त अंकुश लगा है, और सरसा ही गर्दन है नशे की जो पंजाब से आ रहा है। अगर ये काट दी गई तो मैं समझता हूँ कि CM साहब कुछ इसमें और एक्शन करने जा रहे हैं, कुछ यहाँ की मदद।